सर, आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मुद्दा है? पहले राजा शकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो मीटिंग थी हमारी, मैं वेशन परिहार बीजेपी मंडल प्रधान हूँ काहरा जेकिया से। आज हमारी जो मीटिंग थी दीनदयाल उपाध्याय जी के इस पे रखी गई थी, उनको श्रद्धांजलि देनी थी, उस बारे में आज हमने मीटिंग रखी थी। मेरे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं अमीन साहब, नायब सरपंच है, हमारे बहुत तेज तरार नेता सफदर साहब वानी हैं, हमारे जाफर साहब हैं। आज इसी बारे में और भी हमारे लोग हैं, जो वर्कर्स हैं वो बाहर बैठे हैं। तो हमने अच्छा सोचा कि हम आज एक प्रेस इस मौके पे एक प्रेस रिलीज दें, जो जिन कामों पे हम काम कर रहे हैं, जो काम हमने आगे कर रहे हैं और जो हमने किए कुछ दिनों में जम्मू में जाके, जैसे डेवलपमेंट इशू थे, वाटर सप्लाई था सबसे बड़ा मसला था हमारा काहरा जे के आस का, जो हाल ही में जल शक्ति के द्वारा पूरे जम्मू कश्मीर में सेंक्शन हुआ, और ख़ासकर हमारे काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में टाटा द्रामन से लेके चंपल अमरई तक और धेउट का, जो चार स्कीमें ऐसे हैं जो सेंक्शन होके आई हैं और बहुत जल्दी उन पे काम भी शुरू होगा। उसके बाद हमारा दूसरा था रोड का मसला, जैसे त्रंखल बनी मंदिर तक हमने परसों डॉक्टर साहब से और अपने प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी से वो सेंक्शन करा के ला अभी दिया है उन्होंने यहाँ उसकी डीपीआर के लिए। त्रंखल रोड, बाथरी कन्नो रोड, बाथरी चालर रोड, हुटन रोड और गोयला त्रंखल रोड। इसके बाद हमने जो डिमांड रखी थी और जिस पे हम काम कर रहे हैं, हमारा सबसे ये था कि काहरा में एक इलेक्ट्रिकल रिसीविंग स्टेशन काहरा में रखा जाए, जिस पे हमने बात की है उस पे भी हम काम कर रहे हैं। उसके बाद पीएचसी मलानू, जहाँ 24 घंटे डॉक्टर बैठना चाहिए, ये सबसे बड़ी डिमांड है यहाँ के लोगों की, और एक एम्बुलेंस। उसके बाद यहाँ एक साथ में कंसो पंचायत में भरनू आता है, जहाँ पिछले 70 सालों में लाइट का कोई नहीं था, वो हमने सेंक्शन कराया, और वहाँ 25 KV ट्रांसफार्म सुनील जी जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं थे इसके पीडीडी के, उनकी इससे उन्होंने बहुत कोशिश की और आज वहाँ पे 25 KV का ट्रांसफार्मर आया, तार भी आई, और जो भी काम जहाँ भी लाइट नहीं है उस पे भी हमें सुनील जी ने बोला कि जो भी आपके रुके पड़े काम हैं वो आप एक डिमांड वहाँ से बना के लाइए, और जहाँ तक बनेगा हम पूरी कोशिश करेंगे काम करने की। अब सफदर साहब कुछ बोलेंगे, हमारे जो नए लीडर हैं, अभी हाल में ही ये भी जम्मू में थे और बहुत सारे इशू पे इन्होंने भी बात की है, वो अब आपके सामने रखेंगे। मेरा नाम सफदर हुसैन वानी है। क्योंकि मैं हालिया ही इस DD इलेक्शन में बजाते खुद भी कैंडिडेट था और मैंने अपने वेशन परिहार साहब के हक में अपना फार्म उठाया और विड्रा हुआ। वो इस लहजे में मैं विड्रा हुआ था कि मैंने जब वैशन जी की तबीयत को देखा तो मैंने ये मुनासिब समझा कि ये एक ऐसा शरीफ नेता है, ये यहाँ के लोगों की खिदमत कर सकता है। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी। और जो ही मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो जहाँ भी जिस दफ्तर में भी मैं इनके साथ गया, मुझे पता चला कि वैशन जी अनथक कोशिशें कर रहे हैं इस हमारे इलाके के लिए। और हालिया ही हम दोनों भाई मिल के गवर्नर के पास, रविंदर राणा जी के पास, कोल साहब के पास गए, जबकि हमने डिग्री कॉलेज मलानू का भी मुतालबा जब रखा था तो मुझे वहाँ मालूम हुआ कि डिग्री कॉलेज मलानू जल्दी सेंक्शन होने वाला है। और उसके बाद मैंने ये समझा कि मैंने 30 साल NC और कांग्रेस के साथ काम किया, लेकिन हमें कार्ड बना के भी अंदर आने की इजाज़त नहीं मिलती थी। लेकिन हम वैशन जी की वसासत से, रविंदर जी राणा से मुलाकाती हुए, कोल साहब से मुलाकाती हुए, बड़े बड़े दफ्तरों में इन्होंने हमें अपने साथ चलाया। और ये रोड्स के जो मसले अभी हैं,
बन्नी मंदिर का मसला था, जबकि तमाम जगहों पे कांग्रेस ने रोड को पहुंचाया था, लेकिन बन्नी मंदिर एक ऐसी जगह है जहां लोग हजारों की तादाद में दर्शन करने जाते थे, लेकिन इस मंदिर को टच नहीं किया जाता था। लेकिन आज मैं कोल साहब को और रविंदर जी राणा को और वैष्णव जी परिहार का तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने इस मंदिर के लिए रोड को सेंक्शन कराया। मैं इसके अलावा हमारे कहरा रोड का जो इन्होंने वहाँ मुतालबा रखा है कि कहरा रोड को नेशनल हाईवे के अंडर जल्दी लिया जाए, ये भी एक बड़ी ज़रूरी बात थी। उसके बाद वैष्णव जी परिहार ने यहाँ मुतालबा किया है कि यहाँ के बच्चे जो हैं उनको भी प्रोजेक्टों में भर्ती किया जाए। मुझे उम्मीद है कि इस पर भी डॉक्टर साहब जल्दी गौर करेंगे। इसके अलावा हमने राशन के बारे में जो बात की है यहाँ कहरा में कि सेल डिपो हमारा जो सेंक्शन है कहीं तहकल है, बटोगड़ा है, चब्बा है, और यहाँ के बच्चों ने जो फार्म वहाँ भरे हैं, हम चाहते हैं कि इन बच्चों के लाइसेंस बने और उनको बाज़ेबता मुकम्मल डीलर वहाँ बनाया जाए और लोगों को सहूलियात मुहैया हो सके। इसके अलावा इनका मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि गैस हमारे जो सिलेंडर गैस थे जिनको हम परेशान होते थे फार्म भर भर के, लेकिन हम अपने मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, दो दो हज़ार रुपये हमारे अकाउंटों में जो आ रहा है उसका भी हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ज़्यादा आयुष्मान और उसके बाद ये हमारे ये जो हमारे जो बाथरूम्स वगैरह जो मैं का मसला था उनको जल्दी उन्होंने अपने हाथ पे जो लेके और कहीं बेवाओं के अकाउंटों में आज 12,500 रुपया जा रहा है, ये भी कोई छोटा मसला नहीं था। आयुष्मान कार्ड वो भी लोगों को मिल रहे हैं, गोल्डन कार्ड वो भी। और देखें सबसे बड़ा मसला ये मोदी साहब ने किया जो ये केसीसी लोन जो था जिसपे एक गरीब को एक टीचर की या किसी फॉरेस्टर या गार्ड के पैर पकड़ने पड़ते थे कि आप मेरी गारंटी दीजिए, हाँ, फिर 15-20 दिन घूमने के बाद फिर वो उसको वो मुलाजम मुकर जाता था। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने विदाउट गारंटर 1,60,000 लोन लोगों को दिया, हाँ, गाय का लोन लोगों को दिया, मकानों को टीन लगाने के लिए 20,000 का लोन दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अभी तो नया हूँ और मैं यही सिर्फ दो महीने का इनका चर्चा जो मैंने देखा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रियासत जम्मू और कश्मीर में कामयाब हो जाए और राणा साहब हमारे जो रविंदर राणा है वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। बाकी सर मैं कहरा और जिक्यास की आवाम जो RDD खासकर निशाने पर रूरल डेवलपमेंट ही होता है, तो मैं यहाँ कहरा बाजार की बात लेता हूँ। यहाँ पे सैनिक ट्री कॉम्प्लेक्स बाथरूम जो बना है लेकिन बंद पड़ा है, मैं वीडियो साहब से गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि उसको जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि यहाँ हमारी माएँ बहनें आती हैं, बहुत मुश्किल होता है, कहाँ जाएंगे वो, यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है। और एक यहाँ पे और एक अखियारपुर झिक्यास में, ये दो जो बाथरूम्स गवर्नमेंट जब देती है, जहाँ थारी में जाइए आप, गुंदों में जाइए, जहाँ भी जाइए, तो यहाँ तो तहसील है और तहसील हेडक्वार्टर का ये हाल है, तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। तो मैं आपके चैनल के इस माध्यम से वीडियो साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको खोला जाए, भटियास जेक्यास का रोड, भटियास जेक्यास चालर रोड जो काम पिछले दो सालों से टेंडर पे अलर्ट है, उसको टाइम पीरियड दिया जाए उस ठेकेदार को कि इस फलानी डेट उसको नोटिस दिया जाए कि आप इस डेट तक अगर काम करते हैं तो ठीक है, वरना उसका टेंडर कैंसिल किया जाए, किसी और ठेकेदार को दिया जाए ताकि वो उसका काम जल्दी कर सके। बाकी आवास पालस में हमारे बहुत सारे लोग रहे हैं, कुछ रहे हैं और कुछ काटे गए हैं, तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर DC साहब हमारे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे डोडा में, टाटा में पहुँचे, जहाँ कोई नहीं तो वहाँ DC साहब, में DC साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ के SDM साहब का, यहाँ की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और यहाँ के सरपंचज को भी और मेम्बर को भी मैं ये
आगाह करना चाहता हूं कि वो ईमानदारी से काम करे, उनके साथ बीजेपी खड़ी है, कोई डरने की बात नहीं है या कोई किसी के दाड़े में ना आए। आप ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए, आपको पैसा मिलेगा। यहाँ हमारी सबसे बड़ी नज़र हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट पे है। या तो वो टीचर इस्तीफा दे के सियासत में आ जाएं, या तो वो उनका काम है स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। यहाँ 50% से अबो जो टीचर हैं वो सियासत कर रहे हैं, स्कूल का नाम नहीं है, स्कूल में वो जाते हैं नहीं। और हमने सारा कुछ उनका रिकॉर्ड जमा करके रखा है। अब देखिए स्कूल खुलने दो, हमने ये बात डायरेक्टर मैडम तक भी पहुंचाई है। जो भी टीचर आपने पिछले दिनों में, आपको पूरा पता है कि यहाँ के टीचरों ने क्या किया, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, हमारे पास उनके पूरे वो जो उन्होंने फंड्स ट्रांसफ़र किए हुए हैं उनका मैसेज भी हमारे पास है। वक्त आने पे हम सब डीसी साहब की इसमें नोटिस में लेंगे और उनसे मैंने बात भी की है, बहुत जल्द उस पर एक्शन भी होगा। यहाँ मैं आपका, आपके चैनल का और ख़ासकर शिकील राजा भाई आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत एक अच्छे रिपोर्टर हो जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करते हो। पिछले दिनों मैंने आपकी न्यूज़ देखी थी, कल हम वहाँ जा रहे हैं, हमारी मंडल की पूरी टीम जाएगी वहाँ पे। अगर आप वो नहीं दिखाते तो हमें कहाँ से पता चलता। हम आपके बहुत आभारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप ग्राउंड लेवल पे ऐसी जैसी अच्छी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको आगे लाएंगे। थैंक यू।